नमस्कार स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर 15 जो एमसीक्यू है वो हम आपका करेंगे, जो कि आपका जो इंडियन जीके वाला पार्ट है या जो एसएसटी जिसको हम बोलते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी। तो कुछ क्वेश्चन आपके हैं, 15 क्वेश्चन हम करेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है, हु प्रिसीड्स चक्रवर्ती राजगोपालाचारी एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं वो आपके अंतिम थे, या हम कहें कि पहले भारतीय थे। तो इनसे पहले आपके कौन थे, इनसे पहले आपके जो हैं वो आपके लॉर्ड माउंट बैटन है। कौन है? लॉर्ड माउंट बैटन है। और जो ये आपका हेस्टिंग्स हैं, ठीक है, हेस्टिंग्स आपके कौन थे? हेस्टिंग्स जो है वो आपके बंगाल के क्या थे, बंगाल के पहले आपके जो है गवर्नर जनरल आपके कौन थे, वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। और ये आपने इरविन गांधी पैक्ट भी आप लोगों ने जो है वो पढ़ा होगा, तो वो ये थे। लेकिन अगर थोड़ा सा राजगोपालाचारी के बारे में जाने, तो उत्तराखंड में जो आपका राजाजी नेशनल पार्क है, ठीक है, वो किनके नाम पे रखा गया है? वो आपका राजगोपालाचारी के नाम पर ही क्या है, उनके नाम पर ही आपका रखा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? When is the International Women's Day celebrated? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष जो है वो आपका 8 मार्च को, क्या है, 8 मार्च को आपका मनाया जाता है। अभी आपने रिसेंटली जो है परसों ही आपने क्या मनाया होगा, आपने जो है इंडियन एयरफोर्स डे, जो है इंडियन एयरफोर्स डे आप लोगों ने जो है वो मनाया होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज रेड प्लेनेट। ठीक है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो हमारे जो सौर मंडल में है मार्स, यानी मंगल ग्रह जो है, उस मंगल ग्रह को किसके नाम से जाना जाता है? मंगल ग्रह को आपका लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। किसकी वजह से? तो आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड की यहाँ पर बहुत अधिकता है, इस वजह से ये आपका क्या है, इसकी जो मिट्टी है वो आपकी लाल दिखाई देती है। अगर हम इसमें सोलर सिस्टम में बात करें तो सन होता है, उस सन के फिर जो आपके चारों तरफ जो 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है, कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये आपके 8 जो प्लेनेट है, इनको 2 भागों में बांटा गया है, इनर और आउटर, उसको हम बाद में डिटेल में कभी लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो इसमें जो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है वो आपका कौन सा है? वो आपका मंगल ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की जो स्थापना है वो आपका किसने की थी? वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी इन्होंने? आपका जो है वो 1975 में की थी। कहां पे की थी इन्होंने, दयानंद सरस्वती ने? आपका मुंबई में की थी। अगर ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपका आता है, राजा राम मोहन रॉय वाला, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय आपका कौन सा है? ब्रह्म समाज वाले हैं, ठीक है, विवेकानंद रामकृष्ण मिशन से आपका जुड़े हुए। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे जो है वो आपको याद करते रहने होंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप हमारे साथ रहकर उत्तराखंड में जो सरकारी नौकरियां हैं उनकी तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं, तो आप हमारी ऐप वेदाश्री लर्निंग ऐप से आप लोग जुड़ सकते हैं। साथ में मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्दी हम आप लोगों के लिए उत्तराखंड का जो इंग्लिश में कोर्स है, ठीक है, उत्तराखंड जो सिलेबस है वो इंग्लिश में आप लोगों के लिए ला रहे हैं। तो बहुत जल्दी आप हमारे चैनल के साथ जो है वो बने रहिएगा। अब चलते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन पे। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल में सबसे अधिक है? निम्न में से किस पर्वतीय संस्थान की ऊंचाई समुद्र तल में सबसे अधिक, समुद्र तल से सबसे अधिक है? तो ये आपका कौन सा है? ये आपका जो है ये ऊटी है, ठीक है, क्या है? ऊटी है। अब ये ऊटी किस जगह पे है ये आपको जो है ये बताना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला, ये इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अभी कुछ समय पहले आपका विवाद हुआ था, आपने सुना होगा, ठीक है, जो आपके शेर के मुंह आपका खुला हुआ है, बंद है, किस तरीके के, बहुत अभी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपका आ जाए, भारत का राष्ट्र चिन्ह कहां से लिया गया है? तो भारत का जो राष्ट्र चिन्ह है वो आपका कहां से लिया गया है? वो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। कहां से लिया गया है? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसमें आपके जो 4 शेर हैं, ठीक है, आगे पीछे हाथी है, घोड़ा है, सिंह है, सांड है, ये सारे आपको जो है वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और 26 जनवरी, ठीक है, कब? 26 जनवरी 1950 को हमारा जो है राष्ट्रीय चिन्ह यहां से हमने आपका लिया हुआ है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस एक की संस्कृति के आधार पर मूल कर्तव्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है,
मूल जो कर्तव्य है, आप तब तक इसका आंसर दीजिएगा, मैं आपको बताता हूं। मूल कर्तव्य हमने कहां से लिए हैं? मूल कर्तव्य हमने सोवियत संघ से आपके जो है लिए हुए। ऐसे ही आपके जो मूल अधिकारों की बात होती है, मूल अधिकार हमने कहां से लिए हैं? मूल अधिकार हमने यूएसए से लिए। कहां से लिए हैं? यूएसए से लिए हैं, ठीक है। तो अब जो ये मूल कर्तव्य है, ये कब किसकी संस्कृति के आधार पर जो है वो जोड़े गए? तो जो सरदार स्वर्ण सिंह है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जो है उसके तहत हमने लिए हैं। 42वां आपका संशोधन था, कौन सा संशोधन था? 42वां आपका संशोधन था, वहां से आपके लिए हुए। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, जो बलवत राय समिति है ये किससे संबंधित है? ये पंचायती राज से आपका संबंधित है। ठक्कर कमीशन जो है वो इंदिरा गांधी की जो हत्याकांड है, इंदिरा गांधी के हत्याकांड से आपका रिलेटेड है। और अब आपको अयंगर समिति का जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मैंने आपको पहले भी स्टूडेंट ये बताया हुआ है कि आपको जो एमसीक्यू है वो एमसीक्यू आपको कैसे पढ़ने चाहिए, तो वो एमसीक्यू आपको इस तरीके से पढ़ने चाहिए। साथ में आपको जो उसके ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस भी आपको वहां पे जो है वो समझने चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? 368 जो है वो आपका किससे संबंधित है? वो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उससे आपका संबंधित है, और यह है अनुच्छेद नंबर 368। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा। ये सब आत्मकथाएं हैं, देखिए बाबरनामा, ठीक है, शाहजहांनामा, हुमायूंनामा, तुजुक की जागीर, तो ये बिल्कुल सही है। मोहम्मद ताहिर, ये बिल्कुल सही है। हुमायूं नहीं है, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो सुमेलित नहीं है, वो आपका क्या है? गुलबदन बेगम, ठीक है। कौन है इसका जो हुमायूंनामा जो है वो किसने लिखा है? वो आपका गुलबदन बेगम ने लिखा हुआ है। अब आपको बताने कि इनके बीच में क्या रिलेशन था गुलबदन बेगम और हुमायूं के बीच में, ठीक है। ये भी मतलब ये आपका आता नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए, हिस्ट्री में आपका लिखा हुआ है। और तुजुक की जहांगीरी तो आपका जहांगीर ने आपका लिखा हुआ है। यहाँ पे तुजुक की जहांगीरी में आपको उत्तराखंड का जो है वो उल्लेख भी आपको मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? देखिए बाबर और लोदी के बीच में आपका पहला लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है। पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? आपका जो है बाबर और लोदी के बीच में। उसके बाद अकबर और हेमू इसका सही उत्तर है। अकबर और हेमू के बीच में 1556 में आपका जो है पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का जो थर्ड युद्ध है वो किस किस के बीच में लड़ा गया था? मराठाओं के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अहमद शाह अब्दाली के बीच में आपका है वो लड़ा गया था। यहाँ पे कौन जीता है? अहमद शाह अब्दाली। यहाँ पे कौन जीतता है? अकबर। यहाँ पे कौन जीतता है? बाबर। और ये जो आपका पहला युद्ध था पानीपत का, वहां से फिर मुगल साम्राज्य की यहाँ पे क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है? निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? ओके, स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है। यहाँ पे भी आपका स्टील है, ये भी। यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पे आपका कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। रिजर्व बैंक आरबीआई, ठीक है, आरबीआई की फाउंडेशन स्थापना आपकी कब हुई थी? तो आरबीआई जो है वो 1935 में उसकी क्या हुई थी? 1935 में उसकी स्थापना हुई थी। 1949 में उसका क्या कर दिया गया है? 1949 में उसका राष्ट्रीयकरण जो है वो राष्ट्रीयकरण आपका कर दिया गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? अगर आपको कोई भी एक चीज याद होगी तो आप इसको कर सकते हैं। तो अधिक से अधिक 500 आपके, तो 60 से 500 के बीच में जो हमारे हैं विधानसभा के जो आपके सदस्य हैं वो आपके हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कहता है? भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार त्यागपत्र है या शपथ के ऊपर है या आयु के ऊपर है, ये क्वेश्चन आपके जो है वो बन के आते हैं। तो जो आपके राष्ट्रपति हैं वो किसको अपना सौंपते हैं? वो आपका उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति को अपना जो त्यागपत्र है, उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो आपका राष्ट्रपति को सौंपते हैं। प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। लेकिन जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो किसको सौंपते हैं? लोकसभा अध्यक्ष जो है वो उपाध्यक्ष को सौंपते हैं, और उपाध्यक्ष को सौंपते हैं, उपाध्यक्ष आपका अध्यक्ष को सौंपते हैं, ठीक है। लेकिन आपका हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने
मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी है। तो ये आपका 61वां संशोधन था, 61 जो है 1989 का जो है 61 जो संविधान संशोधन अधिनियम है उसमें आपका जो है वो उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो स्टूडेंट आज के जो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस होते हैं ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। तो अगर आप हमारे पेड कोर्सेज से आप जुड़ना चाहें तो आप हमारी ऐप वेदासी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर से जुड़ना चाहें तो हमारी एकेडमी वेदश्री एकेडमी है हल्द्वानी में, वहां पर आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। हम मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।